हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रक से हरियाणा निर्मित शराब के 190 कार्टन बरामद। नावल चौकी की रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लकड़ी के बुरादे से भरे प्लास्टिक के कट्टों की आड़ में छिपा कर ले जाई जा रही थी शराब। दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। मावल चौकी पर रीको पुलिस ने आज राजस्थान से गुजरात ले जाई जा रही शराब की खेप बरामद की। आईसर ट्रक में लकड़ी के बुरादे से भरे प्लास्टिक से कट्टे की आड़ में पाकर ले जाई जा रही हरियाणा निर्मित शराब के 190 कार्टन बरामद किए। साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद की गई शराब का मूल्य करीब 20 लाख रुपए आका गया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह की ओर से गुजरात राज्य में की जा रही अवैध शराब तस्करी की रोकथाम व वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एएसपी मिलन कुमार जोहिया, डीएसपी प्रवीण कुमार के निकट सुपरविजन में रीको थाना अधिकारी बलभद्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में हेड कांस्टेबल देवाराम, कांस्टेबल महेंद्र सिंह व शांतिलाल को शामिल किया गया। टीम की ओर से आबू रोड पालनपुर फोर लेन हाईवे पर मावल चौकी के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की तलाश शुरू की गई। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना के अनुसार आबू रोड से गुजरात जा रहे ट्रक RJ19GE2779 रुकवा कर चेक किया गया। आईसर ट्रक में लकड़ी के बुरादे से भरे प्लास्टिक के कट्टों की आड़ में छुपा कर ले जाई जा रही हरियाणा निर्मित अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब मैकडॉनल्ड नंबर 1, सुपर विस्की, रॉयल चैलेंज, प्लास्टिक प्रीमियम विस्की के 190 कार्टन पाए गए। ट्रक को जब्त किया गया। साथ ही ट्रक चालक जोधपुर के मथानिया थाना के बिशोइयों की ठानी उम्मेद नगर निवासी प्रकाश पुत्र नाथुराम बिशोई व जोधपुर मथानिया थाना के बिशोइयों की ठानी उम्मेद नगर निवासी श्रीराम पुत्र छीनाराम बिशोई को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।